बांदा में आज पीड़ित महिला ने अपने पति के हथियारों द्वारा लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए बनाए जा रहे दबाव और बेटे को भी जान से मारने की धमकी देने के बाद अपने बेटे के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरी ग्राम का है, जहां की पीड़ित महिला शांति देवी ने डीआईजी चित्रकूट धाम मंडल बांदा खुदी अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि 27 अप्रैल 2024 को उसके पति को उसके बहू के पिता तथा उसके सगे भांजे द्वारा थाना पैलानी क्षेत्र अंतर्गत उनके घर ग्राम नरी में हत्या कर दी थी, जिसमें थाना पैलानी में हत्या की तहरीर दी थी, लेकिन थाना अध्यक्ष पैलानी ने किसी तरह की कार्यवाही कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। लगातार न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर अपना माथा रगड़ने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज करने की पैलानी पुलिस ने जहमत नहीं उठाई। पीड़िता द्वारा लखनऊ जाकर शिकायत करने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक बांदा ने थाना अध्यक्ष पैलानी को हटा दिया और पीड़ित महिला की एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद बमुश्किल से 7 जुलाई 2024 को थाना पैलानी में रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित ने बताया कि एफआईआर के उपरांत मुझे और मेरे पुत्रों को उक्त अभियुक्तों द्वारा मुकदमा लिखे जाने के उपरांत जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुकदमा वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति देवी। अच्छा, कहाँ से आई? मैं नरी से आई हूँ, पैलानी थाने से। अच्छा, कहाँ आई हैं? आरडीआईजी साहब के पास जी। अच्छा, क्या क्या मामला है? ये मेरे आदमी को मार डाला है, तो मेरे कोई सहारा नहीं है और एक लड़का मेरा बांट लिया तो कुछ नहीं करता, एक लड़का है तो बेचारा दिल्ली में कमाता है और मेरी लाखों रुपए लगते हैं मेरी दवा में, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है तो मेरे कोई सहारा नहीं है, एक लड़का मेरा सहारा देता है। तो डीआईजी साहब के पास आपने एप्लीकेशन दिया है? जी जी। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला है, कार्रवाई होगी? कुछ नहीं मिली अभी, कोई कार्रवाई नहीं हुई कुछ है? नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो एप्लीकेशन दे दिया है आपने? जी ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।